नमस्ते प्रणाम, मम्मा ने किरण सिंह और यहाँ के वानी काजल शर्मा और यहाँ के वानी नमस्ते प्रणाम, हम वानी पूनम राय और नमस्कार प्रणाम, हम वानी अंजू सरगम। और ये हम लोगों की फ्रेंड है और मौसम कितना बढ़िया है तो बता नहीं सकते हैं। और हम लोग आज आए हैं घूमने के लिए, करने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है, पिकनिक पे आए मुझे। अभी एक जनवरी पता ना क्या। हम लोग मस्ती एंजॉय कर रहे हैं पूरा टीम। और हम लोग देख सकते हैं कितना हमने की कितना दिन के बाद। और इस जगह का नाम है कौन सा जी? हम लोग बेनाम कुमार। इस गांव का नाम है, इस जगह का नाम है। तो आप सब देख सकते हैं हम लोग कितने मस्तियाँ कर रहे हैं। इस गांव में हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। सच में पता नहीं अपने गांव का याद आ रहा है इस वक्त। हम लोग बहुत ज्यादा अभी इस समय हम लोग को बहुत याद आ रहा है अपने अपने गांव है। इस गांव में हम लोग का गांव ऐसा चीज होता है ना, लेकिन हम लोग का दिल खुश हो जाता है। तो वही ना बोला जाएगा, एक गाँव के मजा और एक शहर के मजा में लाख अंतर फर्क है। गाँव है, शहर नहीं। आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारे गांव है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ, देखिए वहाँ, वो देखिए। तो देखिए हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा हम लोग घूमने जा रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लुक है और अच्छा। अगर आप लोगों का ये लोकेशन पसंद आए तो हम लोग जरूर यहाँ शूटिंग करेंगे। ठीक है जी। इस पुल का नाम है बकरा पुल। का नाम है कुमार पुल। ये पागल है, कितना नजारा है। ये पुल पे ना जो चढ़ेगा ना वो ढाल से गिरेगा। कोई और जो पुल है उसका पड़ोसी का लड़का है ये। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है। देखिए किरण जी कहाँ जा रही हैं। और ऐसा तो लग रहा है कि हम महकुम जो हुई थी। तो रौरा सब बताएंगे, रौरा सब तो अपन अपना घर है, मजा एंजॉय ले खुम जा। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अगर हम लोगों का ब्लॉग अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अरे हैं गुड़िया जी और इनके घर हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग सारे लोग मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। और आप भी लोग करिए। कितने दिन के बाद हम लोग को ये घूमने का मौका मिला है और एंजॉय मस्ती करने का गांव में मिला है। न तो हमेशा शूटिंग और शूटिंग होता है खत्म। बताइए आप लोग कैसे हैं? और शूटिंग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ व्यस्त अपने अपने घर पे होंगे। और आजकल के मतलब सिचुएशन में और व्यस्त ही रहना सबसे अच्छी बात है। सही बात है, में व्यस्त रहना। और हम हाँ हम लोग पूरा टीम कुछ रोमांटिक गाना सुना दो, क्योंकि जानते हैं आज हम लोग मतलब बहुत ज्यादा दिन बाद काम करना स्टार्ट किए हैं। तो कुछ नया करेंगे। ये आशीर्वाद और प्यार का दिन है कि हम लोग फिर से एक हुए हैं और खूब मजा कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है हम लोग अपने ही टीम के साथ मस्ती और मजाक कर लेते हैं। पता है कहाँ है? ये नहीं कश, हाँ गोवा। गोवा है हम लोगों के लिए, ये गोवा है जी। ये लड़का था कुछ ऐसा लगा तो क्यों नहीं करता ना यार, कुछ बात नहीं है। तो देखिए आज हम सारे पहले के जितने टीम थे मिल चुके हैं और मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे हैं और हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। आप लोगों से हम ये बताना चाहते हैं कि वीडियो देखते हैं अच्छी बात है, पर उसमें लाइक और कमेंट करना बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग देख रहे हैं एक लाइक करने में क्या दिक्कत है हमारा? तो बनता है जो इतना हम लोगों को प्यार करते हैं। ये नहीं हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को हमेशा अच्छा कमेंट कीजिए, मतलब ये अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और कमियां भी बताइए कि क्या हम लोग में कमी है और हाँ, ताकि कमी को सुधार सके हम लोग, तभी ना हम लोग और आगे जाएंगे जी महाराज। हम लोग को गाली के सिवा जो भी मन में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बोल सकते हैं आप लोग की किरण जी ये एक्टिंग अच्छा नहीं लग रहा है, किरण जी अच्छा, काजल जी मतलब ऐसे करिए। अगर कुछ नया करना करवाना है आप लोगों से
हम लोगों से आप लोग राय दे सकते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए। अगर आप लोग बताएंगे तब तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग में क्या कमी है और कहाँ गलती और कहाँ सही किए हैं। नहीं तो ऐसे कैसे हम लोग जान सकते हैं और ऐसे कैसे हम लोग भगवान जितना होता है उतना कोशिश करते हैं। आप लोगों को हंसाने के लिए जितना होता है उतना कोशिश करते हैं। ए अंजू दी, हाँ इसमें आपने हंस सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं इसमें डुबकी लगा सकती हूँ। लेकिन क्यों नहीं लगा सकती है? क्योंकि अभी पूरा जेंट्स भरे हुए हैं न, तो हमारे लिए कुछ नहीं है। और हम लोग ज्यादा से गांव में रहने वाले हैं, आप भले शहर में रह रहे हैं। काजल जी आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी आप सब से कि आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं हम सबके, तो इसी तरह देते रहिए। और हम लोग इतना इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग तो हम लोग कुछ नया और कुछ अच्छा करने के लिए ही ऐसे सब मतलब इस गांव में आए हैं। ठीक है काजल जी, अब ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है जब घूमने आई हैं? कैसा लग रहा है आपको जब हम सारे टीम घूमने आए हैं? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे यार महाराज गोवा भूल जाइएगा, अगर अपने आप जगह पे अगर आ जाइएगा तो आप गोवा को भूल जाइएगा। मानते हैं मतलब अपना फ्रेंड मिलता है ना पहले का, तो सच में दिल खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। काम मिट्टी में बैठाओ ना महाराज, गढ़ी में नहाओ, बहुत अच्छा लगता है। आप कोई सॉन्ग सुना सकती हैं? बंद के लिए बहुत हो गया। आज तो एक सॉन्ग सुनाइए ना, हम सुने कि आपका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। ये गाती है, मैं नहीं गाती। हां किरण सिंह को तो सब जानता है कि वो गाना गाती है। गाना नहीं, अंजू दी किरण दीदी का हम गाना सुन चुके हैं, आपका गाना सुन चुके हैं, लेकिन काजल दीदी का भी नहीं। सही बात, सही बात। नहीं सुना है, पब्लिक को सुनना है। पब्लिक तो नहीं सुनी, मतलब ऐसा आवाज में गाओ। वैसे थोड़ा बहुत हम गा चुके हैं लेकिन इनकी दीदी का शादी हो रही है तो इनका दीदी जा रही है, याद आ रहा है। प्यार रहे जुदा हो जाएगा, बचपन के प्यार कैसे मिटा हम पाए, लगल रोए वाला पानी के मरा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ का लोकेशन कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जाते जाते आप लोगों से ये बता दूं कि हम लोग आरा आए हुए हैं, तो ये आरा का एक आप सब लोग को एक चीज देख सकते हैं, लाइए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए गौ माता को देखिए कितने अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हाँ गाँव में हम लोग आए हैं। और गाँव का इंजॉय और मस्ती अलग ही होता है। जो गांव में मजा मिल जाएगा ना वो शहर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। शहर में क्या है, खाइए पिए, हलो हाय बाय करिए, घर में सोइए। और गांव में हम लोग घूमते रहते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं सबसे। क्या किरण जी? यस दीदी लीजिए डार्लिंग। देसी मुर्गी मिलाई थी बोल ना अमनी के खाट भोजपुरिया, मतलब अमनी का भोजपुरिया आ जाए। आप सबसे विनती बा, सॉरी बा कि हम कब से हिंदी बोलत रानी, हमनी के एकदम मतलब देहाती भाषा बहुत ज्यादा पसंद बा हमनी के। और बिल्कुल भोजपुरी से बहुत ज्यादा प्यार करने जाए। अभी काजल दीदी अपन एक्टिंग में है ना, तो भोजपुरी में हमनी के बहुत ज्यादा भोजपुरी के माने नहीं जाए और भोजपुरी का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे नहीं जाए। और करम जागे चल के और कुछ अच्छा करे के चाहे नहीं जाए। एक बात सबसे बतावे के कि कचरा भी बहुत ज्यादा आदमी करता ना, तो कचरा पे बिल्कुल ध्यान मत दे जाए। ठीक है, भोजपुरी में बहुत ज्यादा कचरा होता तो बिल्कुल मत ध्यान दे जाए, सब अपन अपन काम करे जाए। ये जो लड़के है बहुत पागल लड़के नहीं, हम मस्ती में जा करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और दिल से लाइक कर जा और वीडियो को शेयर कर जा और चैनल को सब्सक्राइब दबा के। किरण सिंह ऑफिशियल पे हमेशा ऐसे सब वीडियो जाए, मतलब हम कहाँ रहते नहीं कहाँ करते नहीं, अभी तक ब्लॉग्स वीडियो ना कह लो की सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।